अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक टीवी बायता। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह एस्ट्रा प्रो, जो हमारे पास एक थीम है वर्डप्रेस का, उसे आप फ्री में अपने वर्डप्रेस के एप्लीकेशन में या अपने वर्डप्रेस की जो साइट है उसमें इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पेड थीम है, लेकिन हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसे फ्री में किस तरह अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं हमारी वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ ये हमारी एक वेबसाइट है। सिंपल वर्डप्रेस का जो जनरल थीम है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम, वो इंस्टॉल्ड है इसमें, और ये इसका हमारे पास डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाकर थीम में जाएंगे और ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमने एक थीम सर्च करना है एस्ट्रा, और ये जो हमारे पास पहला थीम आएगा इसे हमें इंस्टॉल कर देना। अब सिंपली इसे हम एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा थीम जो है एक्टिवेट हो गया है, और यहाँ इस गेट स्टार्ट पे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्टर टेम्पलेट थीम का एक हमारे पास प्लगइन है, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर देगा, देन इसे एक्टिवेट करेगा। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो इसके डेमोज वगैरह हैं एस्ट्रा के, उन्हें आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, और ये देख रहा है आपके सामने है कि ये ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करना चाह रहे हैं। ये उसके रिलेटेड फिर आपको बने बनाए जो टेम्पलेट्स या डेमोज है वो दे देगा। तो मैं सिंपल से यहाँ से एलिमेंट सिलेक्ट कर लूँगा और ये नेक्स्ट मूव कर लेंगे। तो ये आपके पास सारे डेमोज आ गए। तो मैं आपको कोई एक सिंपल, अगर हम इसे इंपोर्ट कर लें, सिर्फ अगर इसका हम होम पेज इंपोर्ट करें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। मैं ये इंपोर्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी तो ये देखें, ये अब हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास। अब जब हम इसे देखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, बजाय इसके कि हम एक डेमो थीम यानी कि सिंपल जिसमें कुछ भी ना हो उसे लेके चलें। तो अभी हमारे पास सिंपल सा एक पेज आ गया। तो अब जब हम थीम्स में जाएंगे, ये देखें एस्ट्रा ऑप्शन में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो थीम है वो अभी एक्टिवेट नहीं है। ये देखें, ये जो इसके सारे एस्ट्रा प्रो के मोर ऑप्शन अवेलेबल विद एस्ट्रा प्रो, ये देखें इसके साथ लर्न मोर आ रहा है। तो अभी ये जो है ये सारे प्रो के ऑप्शन हैं, ठीक है। इनमें कलर्स एंड बैकग्राउंड आ जाता है, टाइपोग्राफी है, स्पेसिंग, ये सारे जो हमारे पास हैं ये सारे क्या हैं, प्रो के ऑप्शन हैं। और ये देखिए, ये हमारे साथ ये जो है फ्री के साथ प्लगइन है। तो हमारे लिए, हमारे पास जो फ्री वाले प्लगइन है उन सबको एक्टिवेट करने का ऑप्शन है, लेकिन जो हमारे पास प्रो के हैं उनके एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं है। तो अब हम क्या ऐसा करेंगे कि ये जो प्रो के भी ऑप्शन है हमारे पास, ये भी एक्टिवेट हो सकें। तो उसके लिए सिंपल हमें फॉलो कीजिए, और सबसे पहले आप क्या करें, प्लगइन में जाकर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर दें। और ये हमारे पास एक प्लगइन अवेलेबल है एस्ट्रा प्रो एडन, अगर हम इसे अपलोड कर देंगे तो जितने भी हम प्रो थीम के एडन्स हैं या इसके अलावा जितने भी उनके ऑप्शन आप कह लें, उन सबको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये प्लगइन्स
जो ये हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये थीम जो यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको जो हम वीडियो में अपनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर आपको नहीं मिलता और आप मुझसे लेना चाहते हैं ये, वैसे तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये एस्ट्रा प्रो एडन जो फ्री लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ये इसका लिंक सेंड कर दूंगा। सिंपल आप इसे इंपोर्ट कीजिए और इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसे एक्टिवेट कर दें। ये देखिए आपके पास ये एक्टिवेट हो चुका है। और अब जब हम थीम ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखिए एक्टिवेट एक्टिव प्रो लाइसेंस हमारे पास क्या है, एक्टिव हो गया। ओके, और यहाँ से इसे डीएक्टिव भी कर सकते हैं, तो ये प्लगइन जो है वो इसे डीएक्टिव कर देगा। और ये देखिए ये हमारे पास सारे जितने भी हैं ये प्रो वाले जो मॉड्यूल के साथ आते हैं उन सबको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया और मैंने एक्टिवेट करके भी आपको दिखाता हूँ इन सबको। ये जो हमारे पास एक्टिवेट नहीं हो रही इन्हें प्लगइन चाहिए, जैसे अगर वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो उसके रिलेटेड जो ये एक्टिविटी है ये ऑप्शन हमारे पास, तो ये एक्टिवेट फिर आएगा। ये लिखा भी हुआ है कि दिस प्लगइन नीड टू बी इंस्टॉल और एक्टिवेटेड, वो कॉमर्स को इंस्टॉल करें। उसके बाद इजी डिजिटल डाउनलोड, और अगर आप इसे डाउनलोड करें प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप इस तरह, ये जो चार प्लगइन है अगर जब ये प्लगइन आप अपने वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन भी आपको शो हो जाएगी। तो अभी देखिए ये देखिए कस्टम लेआउट पेज हेडर, ये सारे आपको जो प्रो के ऑप्शन है ये सारे आपको मिलना शुरू हो गया। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा आ रहा है कि एक्स्ट्रा प्रो लाइसेंस जो है वो आपके पास एक्टिव है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वे था जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रो जो थीम है उसे आप फ्री में अपनी वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।